हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे ठीक ठाक होंगे मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद तलहा बट फ्रॉम यूनिवर्सिटीज़ पेज वीज़ा कंसल्टेंट वेलकम करता हूं आपको आज की इस न्यू वीडियो के साथ आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है विजिट वीजा ऑफ अजरबैजान आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अजरबैजान का आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पर विजिट वीजा कैसे हासिल कर सकते हैं क्या रिक्वायरमेंट्स हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वीजा फीस कितनी है कितनी टाइम ड्यूरेशन लगती है और इसके अलावा कुछ क्वेश्चन भी हैं वो भी हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं अजरबाई जान ऑफिशियली रिपब्लिक ऑफ अजरबाई जान इस ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री लोकेटेड एट द बाउंड्री ऑफ ईस्टर्न यूरोप एंड वेस्टर्न एशिया बाकू इस कंट्री का कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी है अप्रोक्सिमेटली यहाँ की पॉपुलेशन जो है वो इलेवन मिलियन है अजरबैजान एक इस्लामिक कंट्री है एक मुस्लिम कंट्री है 97% आपको यहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी मिलती है और 3% आपको यहाँ पर क्रिश्चियन कम्युनिटी मिलती है द द मैनेट मैनेट इज ऑफिशियल करेंसी ऑफ अजरबैजान एक अजरबैजानी जो है है वो पाकिस्तानी 163 रुपीस के इक्वल इट इज हेल्पफुल टू नो अ बिट ऑफ अजरी एंड अजरबैजानी जानी विच इज ऑफिशियल लैंग्वेज एंड इज वाइडली स्पोकन अजरबैजान इज अ डेवेलप इंडस्ट्रियल एंड एग्रेरियन कंट्री बहुत सारी चीजों की यहाँ पर डेवेलपमेंट की जाती है लाइक एनर्जी एंड नेचुरल रिसोर्सेज which includes oil, petroleum, natural gas, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग और टूरिज्म का यहाँ पर बहुत स्कोप है इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्री होने के साथ साथ अजरबैजान एक एक्सपोर्ट डिपेंडेंट कंट्री भी है जो बहुत सी अपनी एनर्जी नेचुरल रिसोर्सेज और बहुत इस तरह की प्रोडक्ट्स जो है वो एक्सपोर्ट भी करता है अजरबैजान इज वन ऑफ द फेमस एंड सेफेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन द वर्ल्ड बहुत अनएक्सपेंसिव और अफोर्डेबल कंट्री है अकोमोडेशन के लिहाज से ट्रांसपोर्टेशन के लिहाज से और फूड के लिहाज से और यही चीजें हैं फूड अकोमोडेशन और ट्रांसपोर्ट जो कि हर इंसान को जो है किसी भी कंट्री में जाकर ज्यादातर जरूरत पड़

is is for payment and and the third and last step is to download, save or print your ready e visa. फिल करना होता है। अपने पासपोर्ट की कॉपी और अपनी डिटेल्स आपकी ईमेल और आपका कॉन्टेक्ट नंबर शामिल हो वो अपलोड करना होती है क्रेडिट और डेबिट कार्ड के थ्रू आपने पेमेंट करनी होती है वीजा की फीस पे करनी होती है तो आपको पाकिस्तानी पासपोर्ट पर अजरबाई जान का हंड्रेड परसेंट करें यहां पर, तो पर तीन टाइप्स के और इसकी टाइम ड्यूरेशन जो है वो थ्री टू फाइव वर्किंग डेज की होती है तीन से पांच दिन के अंदर आपका स्टैंडर्ड ई e आपको इजीली मिल जाता है इसके बाद आ जाता है अर्जेंट ई वीजा इस अर्जेंट ई वीजा की जो फीस है वो वन हंड्रेड एंड नाइनटीन डॉलर है जो कि आपको ट्वेंटी फोर आवर्स के अंदर मिल जाता है और इसके अलावा लास्टली आपको यहाँ पर मिल जाता है सुपर फास्ट ई वीजा सुपर फास्ट ई वीजा की जो प्रोसेसिंग फीस है वो 149 हंड्रेड डॉलर है जो कि आपको तीन से चार घंटों के अंदर मिल जाता है तो ये तीन वीजा की कैटेगरीज यहाँ पर फॉल करती हैं। इन तीनों वीजा कैटेगरीज में से आप किसी भी कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं किसी भी कैटेगरी के, के लिए अप्लाई कर सकते हैं इट डिपेंड्स ऑन यू इन तमाम विजा की जो वैलिडिटी होती है वो 90 डेज की होती है जब आप इस कंट्री में एंटर होते हैं तो 30 डेज का जो है वो स्टे ड्यूरेशन आपके पासपोर्ट पे स्टंप किया जाता है तो जब आप इस कंट्री के एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं तो इमिग्रेशन वाले आपसे यहां पर कुछ क्वेश्चन करते हैं बहुत से लोग यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारे से क्या क्वेश्चनिंग होगी क्या सवाल जो हैं वो पूछे जाएंगे तो ये भी मैंने एक सेशन अपनी था अपने व्यूवर्स के लिए ताकि उनकी ये प्रॉब्लम भी रिजॉल्व की जा सके तो क्वेश्चन नहीं किए जाते हैं तो फर्स्टली जो आपसे यहां पर क्वेश्चन किया जाता है वो आपके रिटर्न टिकट के हवाले से किया जाता है तो मैं भी अपने देखने वाले व्यूवर्स को यहां पर यही रिकमेंड करूंगा कि सिंगल टिकट करवाकर बिल्कुल मत जाइएगा आपका नुकसान हो सकता है हमेशा रिटर्न टिकट पे जाइएगा दूसरे क्वेश्चन आपसे यहां पर किया जाता है मनी के बारे में अबाउट एक्सपेंस अबाउट कॉस्ट आपके पास जो मिनिमम वहां के लिए एक्सपेंस होने चाहिए वो थाउजेंड डॉलर जो है वो मस्ट होने चाहिए इससे ज्यादा आप जितने मर्जी रख लें लेकिन मिनिमम जो है वो आपको वहां पर थाउजेंड डॉलर रिक्वायर्ड होते हैं जो कि आपसे वहां पर क्वेश्चन किया जाता है आपके एक्सपेंस और आपके कॉस्ट के लिहाज से एंड नंबर थर्ड क्वेश्चन इज दैट आपकी होटल आपके अकोमोडेशन के प्रूफ वहां पर पूछे जाते हैं तो यहां पर आपको यह रिकमेंड किया जाएगा कि आप यहां से जाने से पहले अपनी होटल की बुकिंग अपनी अकोमोडेशन की बुकिंग जो है वो करके जाए कोई फेक बुकिंग वहां पर नहीं चलेगी आप अच्छी तरह से रिसर्च करें अच्छी लोकेशन रिसर्च करें अच्छी सी अपनी होटल रिजर्व करवाएं अपनी अकोमोडेशन बुक करवाएं देन आप इस कंट्री के लिए ट्रेवल करें यही सेम क्वेश्चन जो है जब आप पाकिस्तान से ट्रेवल करते हैं इस कंट्री के लिए तो पाकिस्तानी एयरपोर्ट पर भी इमिग्रेशन की तरफ से आपसे सेम यही क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं तो ये कुछ मेन सवाल होते हैं जो आपसे यहां पर पूछे जाते हैं पाकिस्तानी इमिग्रेशन